दोस्तों सितंबर का महीना आ चुका है और यदि आप गुलाब का कटिंग नहीं लगाए हैं तो ये सही समय है गुलाब का कटिंग लगाने का, क्योंकि इसका अभी समय जो होता है इसका ट्विनिकल समय होता है, यानी कि इस पौधे का जितना कटाई करेंगे उतना अच्छा से ये घना घना आपका तना आएगा और उसी में आपका भरमार फूल आएगा। तो आज आपको ये बताएंगे यदि आपके घर में गुलाब का पौधा है तो आप घना कैसे बनाएं, और यदि नहीं है तो अभी का समय किसी से भी कटिंग मांग लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। पर यहाँ पर जैसे कि हमारा कली है, कली ये फूल खिल जाएगा और यहाँ छोटा सा कली आपको दिख रहा होगा, तो दोस्तों हमें कली वाला कटिंग नहीं लेना, लेना किस जगह से, जैसे कि यहाँ फूल हो गया और ये अब क्या कर रहा है, बीज बना रहा है। यहाँ पर देखें बीज बना रहा है, तो अब हमको नया या पुराना लेना है, ज़्यादा नया नहीं लेना है, केवल लेना है पेंसिल का आकार का। तो यहाँ पर हम पहले कट ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस तरह किस तरह से आप अपने पौधे का कटिंग लगाएं और बहुत ही जल्दी आप पूरी ठंडी गुलाब का फूल ले सकें। आइए जानते हैं किस जगह से कटिंग लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये बता रहे हैं, ये है पुराना कटिंग, ये है पुराना तना, और पुराना तना में हमारा इसमें बहुत सारे कलियां हैं तो इसे नहीं लेना है, और ये सब तो पतली पतली है तो हमें लेना है पेंसिल का आकार का। तो यहाँ से हम कट लगाते हैं और देख भी लिए हैं एक भी कली नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ले लिए हैं, आप देख सकते हैं कहीं से भी इसमें कली नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें लगाना है कट, और ये लीफ को नहीं रहने देना, इस तरह से हम लीफ हटा देते हैं तभी आपको पता चलेगा कि इसमें अंकुरित हमारा आ रहा है। थोड़ा सा लीफ हटा के दिखाएंगे ना, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से लीफ हमारा आएगा, इस जगह जहाँ जहाँ गांठ है वहाँ से लीफ आएगा। ऐसे तो आपको चिकना दिख रहा था, जब हम इसमें पत्तियाँ था तो आपको चिकना दिख रहा था, पर पत्तियाँ हटा दिए और हमें ये पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ से कट लगाएं। तो हमें लेना है मात्र एक बित्ता का, इस हिसाब से हम कट इसे लगा लेते हैं और हमें पता भी चलेगा कि उल्टा है या सीधा। तो यहाँ से हम कट लगा रहे हैं, इस तरह से कट लगा लिए तिरछा आकार का, फिर इसी से आप नाप लें। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तीन कटिंग लिए हैं और तीनों कटिंग में ये रूटिंग हार्मोन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम तो मेरे पास अवेलेबल रहता ही है और ये चीज़ आपके पास नहीं रहता है, तो हम इसे हटाते हैं और आपको बताते हैं इस एलोवेरा जेल से आप आसानी से घर पर पौधा उगा सकते हैं। जो मंथ चल रहा है बहुत ही अच्छा मंथ है, ये जल्दी से जल्दी आपका पौधा तैयार कर देगा। तो इसे क्या करना है, इस तरह से हम यहाँ पर लिए, और ये चीज़ आपको ज़रूरी है देखना, उल्टा नहीं लगाना है आपको, लगाना है सीधा। ये जो आप देख रहे हैं ना ये सीधा हुआ, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये सीधा हुआ, और सीधा में हमें क्या करना है, इस तरह से इसमें डालना है। ये आपको नमी भी बना के रखेगा और रूटिंग हार्मोन का ज़बरदस्त काम करता है ये। तो इसे हम यहाँ रखें, और ये जो आप देख रहे हैं तो ये जो हम नहीं काटे हैं तो इसलिए नहीं काटे हैं, यदि ये तैयार होगा तो ये हमारा तुरंत ही घना हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे भी इसमें डाल देते हैं, उल्टा सीधा हम देख लिए हैं, आप भी देखिए तो ये बिल्कुल सीधा है। तो इसे भी हम इस तरह से कर दिए। अब करने के बाद तो दोस्तों यहाँ लिए हैं मिट्टी, और मिट्टी से पहले आपको बता देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं डब्बा, ये डब्बा आपके घर में भी आता होगा, सोन पापड़ी या किसी भी तरह का सामान आप लेकर आते होंगे, मिठी बिस्कुट वगैरह लेकर आते होंगे, तो ये डब्बा आपको फ्री में मिल जाता होगा। तो ये डब्बा में आप बीज वगैरह या कटिंग वगैरह बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। इसमें हम छेद भी कर दिए हैं और नीचे में लीफ यानी कि
जो लीफ हमारा गिर जाता है वो नीचे में लीफ भी दिए हैं, आपको दिखा सकते हैं, ये लीफ है, हरा हरा जो दिख रहा होगा लीफ है। इसको देने से क्या होता है कि जिसमें हम छेद किए हैं यदि मिट्टी हमारा दब जाए तो इसमें पानी आपका खड़ा रहेगा, तो इसके कारण से भी आपका नहीं उगेगा कटिंग। तो ये सावधानी आप देख लें। और ये मिट्टी गार्डन का है, जिस जगह का मिट्टी है वहाँ बहुत ही अच्छा से देखे हैं, उपजाऊ बहुत ही अच्छा से होता है। तो इसे हम अब करना क्या है, इस माध्यम से आप छेद कर लें, जैसे हम कर ले रहे हैं यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, इस तरह से आपको लगा देना है, थोड़ा सा दूरी ही बना के रखें तो अच्छा रहेगा। और आप लोग ये बोलेंगे कि एक ही कटिंग क्यों नहीं लगाएं, एक कटिंग इसलिए हम नहीं लगाते हैं कि मान लीजिए एक कटिंग हमारा फेल हो चुका तो दूसरा तैयार होगा, दूसरा फेल हुआ तो तीसरा तैयार होगा, यानी कि ना उम्मीद हमें नहीं मिलेगा। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं ऐसे तो हमें, मेरा गारंटी है कि हमारा ये तीनों का तीनों तैयार हो जाएगा। जब ये पौधा हमारा तैयार होगा तो इसका वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे। और एक बात और बता देते हैं जो विशेष बात है, इसमें हफ्ते दिन के अंदर लीप आ जाएगा, क्योंकि ये सारी अंकुरित है, आपको बताएं कि यहाँ से आपका लीप आने वाला है। पर दोस्तों जब हमारा लीप आ जाता है तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उखाड़ लेते हैं, तो उखाड़ने के बाद जड़ नहीं आएगा। जड़ कब आएगा, एक मंथ के बाद ही जड़ इसमें आएगा। और इस जगह रखें जहां आपको पंछी वगैरह या बच्चे वगैरह आपको हिलाए नहीं, यानी हिल भी जाएगा तो ये पौधा नहीं लगेगा। पानी आपको कैसे देना है तो साइड में देना है, और इसमें मिट्टी का कमी है, थोड़ा मिट्टी और देंगे। मिट्टी दबा कर इसलिए दिया जाता है कि यदि हवा तेज रहा तो ये हमारा कटिंग बढ़िया रहे। अभी जितना आप हिला लें अच्छे से, दो से तीन दिन के बाद इसे केवल पानी साइड से दें, इस तरह से दबा दबा के अच्छा से इसे मजबूत कर दें, जैसे हम मजबूत कर दिए। तो दोस्तों ये जो छोटी सी जानकारी दी है ना, ये जानकारी थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।